आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमारे पास चार सॉल्यूशंस गिवन है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो सबसे पहली बात हमसे पूछी जा रही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, है ना, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, यही होता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो हमें लगाना पड़ता है ताकि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन की तरफ ना जाए, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू प्रिवेंट प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम मूविंग इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर जो हमें लगाना है ताकि हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन की तरफ ना जाए, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है बताने के लिए कि इन्हें इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, है ना। यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, आर हो गया गैस कांस्टेंट और टी हो गया टेम्परेचर। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आई भी आएगा, ठीक है, वैंट हॉफ फैक्टर। सो पाई इक्वल्स टू आई, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं मोलारिटी के टर्म्स में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आरटी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो पाई क्या हो जाएगा हमारा, आई इंटू, इसको लिख सकते हैं गिवन वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एम बी इंटू वन बाय वॉल्यूम इंटू आर टी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन में सब में ही 1 लीटर ले रहे हैं हम लोग, और आर टी सेम होगा सबका, यानी कि कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर सेम है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से मतलब है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये सब जो है बाकी का सेम है। तो हमारे पास चार सॉल्यूशंस है। फर्स्ट सॉल्यूशन कौन सा है, फर्स्ट सॉल्यूशन में हम लोग ले रहे हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज की आई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि सुक्रोज जो है वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है। सो जो हमारा पाई हो जाएगा सुक्रोज के लिए, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 into कितना सुक्रोज ले रहे हैं हम लोग ले रहे 34.2 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। सो 1 into 34.2 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो होता है 342 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.1, है ना। तो सुक्रोज के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आई 0.1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास किसका, यूरिया का। यूरिया कितना है, 60 ग्राम्स लिया है हमने। अब यूरिया भी आयंस में ब्रेक नहीं होता है, तो यूरिया के लिए भी आई की वैल्यू 1 होगी। तो पाई कितना हो जाएगा हमारा, 1 into 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया लिया है, और यूरिया का मोलर मास भी 60 होता है, सो ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए भी हमारा आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ग्लूकोज भी आयन से ब्रेक नहीं होता है। तो पाई इक्वल्स टू 1 into 90 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। सो ये हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है।
तो ये आ गई ग्लूकोज की वैल्यू। अब फोर्थ क्या सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फोर्थ सोल्यूशन है 58.5 ग्राम्स किसका, NaCl का। सो जो सोडियम क्लोराइड है हमारा वो तो आयन में ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि दो आयन्स में ब्रेक होता है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 2, और 58.5 ले रहे हैं हम लोग 5 ग्राम्स, और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 58.5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, और जो है हमारी इसकी वैल्यू आई 2। ठीक है, अब हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा रहेगा, तो सबसे छोटा कौन सा है, फर्स्ट सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू है 0.1, तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा इज ग्रेटर देन, सेकंड में आएगा हमारे पास थर्ड वाला सॉल्यूशन, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास सेकंड वाला सॉल्यूशन, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आई है 1, और फिर सबसे ज्यादा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, NaCl वाले सॉल्यूशन का, दैट इज 2। तो ये फोर्थ वाला सॉल्यूशन हो गया, तो ये आ गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉल्यूशन का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।